type 104 multiply by 107. करेक्ट, यानी मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर मैंने दे दिया। टाइप टू, टाइप थर्ड एंड लास्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता लग रहा होगा दो टाइप मैंने आपको बता दी। और तीसरी टाइप में कौन सा, हम एक नंबर ले लेते हैं 96107, ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई मैं करूंगा वो देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, 10272। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है, अब कैसे पॉसिबल हुआ, आपने तीनों में आपने देखा कुछ नोट किया, इसमें क्या है 100 से प्लस है बोथ नंबर्स, बोथ नंबर क्या है 100 से अबव वाला है, इसमें क्या है 100 से बिलो वाले हैं यानी नियर अबाउट है 100 के, और ये इसमें एक बिलो 100 से और एक 100 से अबव है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको समझ कैसे आई मैंने कैसे लिख दिया, तो ये ध्यान से है बोथ नंबर्स, बोथ नंबर क्या है 100 से अबव वाला है, इसमें क्या है 100 से बिलो वाले हैं यानी नियर अबाउट है 100 के, और ये इसमें एक बिलो 100 से और एक 100 से अबव है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको समझ कैसे आई मैंने कैसे लिख दिया, तो ये ध्यान से देख लो आप। पहले एक एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझ आ रहा होगा लेकिन अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चलो यही बता देते हैं। देखो आपने ये देखना है कि जो 104 है ये 100 से कितना अबव है, 4, करेक्ट, यहां कितना है 7। अब आपने क्या करना है कि या तो इस 4 को इसमें प्लस कर दो या 7 को इधर प्लस कर दो, बात एक ही है, करेक्ट, तो 104 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 111, यानी 111, 111 आपने यहां लिख दिया, करेक्ट। अब इन दो 4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके उसके पीछे लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी नंबर ले सकते हो, इसके साथ अगर एक एग्जांपल देना है तो ले लेते हैं एक एग्जांपल, मान लो 103 इंटू 108 है, करेक्ट, ले लो इसमें क्या है, ये लो, ये भी हो गया आपका, हो गया नहीं हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक, इसमें 3 एक्स्ट्रा था, इसमें 8 था, या तो आप ये 8 को यहां प्लस कर दो या 3 को इसमें प्लस कर दो, यहां लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पीछे नोट डाउन कर दो, बस। टाइप टू कैसी होगी आपकी, टाइप टू में क्या है 93 मल्टीप्लाई में 97, क्योंकि दोनों नंबर्स जो है वो हमारी बिलो 100 है, 100 से कम है, इसलिए मैंने इसको टाइप टू दिया है। इसको मल्टीप्लाई करने का क्या फंडा है हमारा, आप ये देखोगे इसके अंदर कि ये इसमें 93 में कितना ऐड करें कि 100 हो जाए, 7, और 97 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 100 हो जाए, 3, समझ आ गया। अब आपने करना क्या है कि ये वाला नंबर या तो यहां से माइनस कर दो, ठीक है, या ये वाला नंबर यहां से माइनस कर दो, बात एक ही है, यानी 93 में से 3 माइनस करो तो 90 आता है, 97 में से 7 माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 90, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस खत्म। नहीं है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये लो 91 इंटू 98, करेक्ट, अब 98, अब 91 में देखो कितना ऐड करें हम कि 100 हो जाए, 9, और ये कितना कम है 2, इजीली समझ आ गया। अब क्या करना है, या तो ये वाला नंबर इसमें से आप माइनस कर लो या ये वाला नंबर माइनस कर लो, ठीक है, तो अगर हम इसमें माइनस करते यहां पे क्या किया था 3, या तो इसमें से माइनस कर दो या 97 इसमें से माइनस कर दो, बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन
ये वाला तो हमारा फंडा नहीं बैठ रहा है। एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 92 × 97 ले लेते हैं। अगला कितना है, 8 है और इसमें 3 है, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 इसमें से माइनस करोगे 89 आएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 89, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब तीसरी टाइप कौन सी है, तीसरी जो हमारी थर्ड और लास्ट टाइप है वो हमारी ये है कि एक नंबर जो है आपका बिलो 100 होगा और एक नंबर हमारा जो है अबव होगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लो। ये देखोगे कि 100 में कितना कम है, 4 कम है, करेक्ट। ये 100 में कितना एक्स्ट्रा है, 7, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये वाला जो नंबर होगा इसमें प्लस कर दो या ये वाला नंबर माइनस कर दो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने माइनस करना है। तो जब मैंने माइनस किया तो कितना आएगा, 103 और 20 लगानी है। तीसरे मेथड के अंदर यही है कि आपको 10, मैंने 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। 107 में 4 माइनस किया तो 103 है, 20 लगानी है। फिर उसके बाद इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो आप। ये तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लग रहा होगा कि कितनी स्मूथली और कितनी इजीली से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो एक मैंने नंबर लिया था उस नंबर को देख लेते हैं कि उसका आंसर क्यों नहीं आया है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गया मैंने कौन सा नंबर लिया था, 91 × 98। देखते हैं इसमें कितना है, 9 कम है, ठीक है, 100 होने में, और इसमें कितना कम है, 2 है, करेक्ट, इतना ही है ना। अब या तो ये वाला नंबर इसमें से माइनस कर लो या इसमें से ये नंबर माइनस कर लो, बात एक ही है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला नंबर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 89। इसमें से माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 89, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी और ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ट्रिक तो इसको जरूर जो है कमेंट देना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस तरह के, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो टाइम पास करना है, तो इसके लिए आपको अच्छा है कि घर बैठे ऐसी ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।